अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि आप कभी भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। जस्ट ये वजीफ़ा पढ़ें और इंशाल्लाह नौकरी, रिज़्क, शादी, हर परेशानी दूर होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की सिर्फ दो आयतें किसी की समझ में आ जाए, जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगा। आज सबसे बड़ी परेशानी होती है नौकरी, घर, घर के खराजात। जवान हो गया हूं शादी, मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह की लड़ाई को दूर करते करते हाथ उठाया और एक लगाई और बंदा मर गया, वहां से दौड़े। देखा कि दो बाहया औरतें खड़ी हैं एक साइड पे, लोगों ने अपने जानवरों को पानी पिलाया है। قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير। हमारे वालिद बूढ़े थे, शुआइब अलैहिस्सलाम। जब लोग फारिग हो जाते हैं तो बचा पानी हम भी पिला देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कहां से भागे? मौत का खौफ, पेट खाली है। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि हालत ये थी कि चल चल के जूती भी टूट गई, पांव से नंगे दरख्त के नीचे खड़े, माजरा देखा। सिर्फ दो काम किए, दो काम किए, नेकी के लिए कदम उठाया है और अपनी तवज्जो अपने मालिक की तरफ की है। पत्थर हटाया, जानवर को पानी पिलाया। किन को पानी पिलाया? जानवरों को। किन की खैरखाई की? मोमिना औरतों। और वापस दौड़ के आए, जब पांव जले और आके दरख्त की छांव तले खड़े होके क्या कहा? रब्बी, ओ मेरे पालने वाले, इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैर फकीर, अल्लाह मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं। अल्लाह जलाल ने इन दो चीजों के बाद कोशिश करना नेकी में और अल्लाह के सामने हाथों को फैला लेना बंदोबस्त क्या किया। आज लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब इंसान दूसरे मुल्क में जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक साल का, छह माह का, तीन माह का, और कहते हैं तजदीद होगी साल का और दोबारा आपको ये पेश कर। यहां अल्लाह ने फैसला क्या किया? फजा इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين। शुआइब अलैहिस्सलाम की एक बेटी आई, उसने आके कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं और आपको बदला देना चाहते हैं जो आपने नेकी की। ऑफर्स क्या पेश की? पैकेज कौन से सामने आए? अच्छा ऐसा करो, आठ साल की नौकरी तुम्हें देता हूं, अंत जुड़ो नहीं समय नहीं है, आठ साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है,
کھانا پینا بھی میرے ذمہ ہوگا، رہائش بھی میرے ذمہ ہوگی، اور ساتھ یہ ہے کہ جب 8 سال پورے ہو جائیں تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی کرے۔ صرف اللہ عزوجلال کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نیکی کے لیے قدم اٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ 4 انعامات دے دیے، پھر کچھ مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے 8 سال مکمل کرنے کے بعد بیوی آ گئی تو کہتے ہیں اچھا رکو، یہ سامنے روشنی نظر آ رہی ہے، کچھ آگ لے آؤں۔ وہاں پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا، موسیٰ اپنی جوتی کو اتار دو علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ نے ساتھ نبوت کا تاج بھی پہنا۔